वेलकम बैक टू MHB ऑटो व्लॉग्स। तो आज हम रिव्यू करेंगे होंडा ऑडी से 2021, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। एक बहुत ही अच्छा प्रपोजिशन है। जो लोग एक फैमिली कार देख रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोग फैमिली कार है, यानी एक SUV, मिड साइज SUV या फिर एक फुल साइज SUV घर लेकर आते हैं, तो गाड़ी होंडा ऑडी से बहुत ही ज़बरदस्त प्रपोजिशन है उनके लिए। जो ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं करते, सिर्फ SUV खरीद लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रपोजिशन है। और इसमें ज़बरदस्त सेफ्टी, ज़बरदस्त स्पेस और ज़बरदस्त इंटीरियर्स और पावर भी बहुत ही अच्छा इंजन। इसमें 3.5 लीटर का 6 सिलेंडर इंजन है, जो कि हम बात करेंगे जब हम टेस्ट राइड लेंगे तो गाड़ी की। तो बात करते हैं इसके डिज़ाइन पर्सपेक्टिव, तो डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त आया है। और ये हेडलैम्प इसके बहुत ही स्लीक लग रहे हैं। और ये होंडा एकॉर्ड और होंडा सिविक से लिया गया है। और ये अब इस बार प्रीवियसली जनरेशन में ये 5th जनरेशन है, जो कि अब इसमें आप जो ग्रिल है ब्लैक कलर में आती है, जो कि मोर स्पोर्टियर लुक देती है। और यहाँ पर क्रोम फिनिश, क्रोम लाइन जा रही है यहाँ पर हेडलैम्प पर। और यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। ये साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल से काफ़ी लंबी गाड़ी है होंडा ऑडी से। लेंथ वाइज 5.18 मीटर्स, विड्थ 2 मीटर्स की है और हाइट 1.76 मीटर्स की है। और 3 मीटर्स का इसका व्हील बेस है, जो काफ़ी स्पेस लेकर आता है गाड़ी में। और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली स्लाइडिंग डोर्स मिल जाते हैं, दो भी तरफ आप रिमोट से भी ओपन कर सकते हो, देख सकते हैं आप। काफ़ी कन्वीनियंट है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त लेग स्पेस भी मिल जाती है गाड़ी में। और आप ओपनिंग क्लोजिंग दो भी साइड के डोर्स कर सकते हो। और ये चाबी है होंडा की, काफ़ी प्रीमियम है। और यहाँ पे दो भी साइड के स्लाइडिंग डोर्स और बूट ओपन कर सकते हो और लॉक अनलॉक। और यहाँ पर आपको ये भी मिल जाता है, इंजन स्टार्टर भी मिल जाता है गाड़ी में, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 19-inch alloy wheels, बहुत ही क्लासी और डुअल टोन कलर में, बहुत ही स्पोर्टी फिनिश देते हैं गाड़ी को। तो बात करेंगे इसके रेयर प्रोफाइल की, तो रेयर प्रोफाइल तो काफ़ी चौड़ी है गाड़ी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम फिनिश में यहाँ पे होंडा का बैजिंग है। और यहाँ पे LED टेल लैम्प्स भी मिल जाते हैं गाड़ी में आपको, बहुत ही अच्छा रात में व्यू मिलता है, अच्छा रोड प्रेजेंस है गाड़ी का। और यहाँ पर क्रोम लाइनिंग काफ़ी अच्छा प्रीमियमनेस देती है। और ये टोरिंग वेरियंट है, जो कि टॉप एंड वेरियंट है होंडा की भाषा में। बात करेंगे इंटीरियर्स की, तो होंडा ऑडिसी के इंटीरियर्स काफ़ी ज़बरदस्त लगे मुझे। और इसमें आपको मिल जाते हैं ज़बरदस्त सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर फेक वुड भी है यहाँ पर। और यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बहुत सारे, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स है गाड़ी में। और यहाँ पे आपको यहाँ पे बड़ा एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है गाड़ी में। और यहाँ पर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है, कभी होल्स कंपार्टमेंट यहाँ पर भी है। और यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेसेस है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाता है। और यहाँ पे ऑक्सिलरी पोर्ट और यहाँ पे USB चार्जिंग टाइप ए चार्जिंग आउटलेट भी मिल जाता है गाड़ी में। और ये गियर बॉक्स को गियर लीवर हटाकर बस इसमें यहाँ पे बटन्स वाले गियर बॉक्स गियर रखे हैं। ये देखिए बटन से सिर्फ यहाँ पे ड्राइव मोड और स्पोर्ट्स मोड और यहाँ पे न्यूट्रल और ये पार्किंग, जस्ट बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है। और बात करते हैं सीट्स की, सीट्स आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं गाड़ी में। हीटिंग एंड कूलिंग फंक्शनैलिटी है गाड़ी में। और सबसे ज़बरदस्त बात इसका है इंफोटेनमेंट सिस्टम, काफ़ी ज़बरदस्त इंफोटेनमेंट सिस्टम 8-inch का है। और इसमें आपको मिल जाते हैं 10 स्पीकर मिल जाते हैं, साउंड भी काफ़ी, साउंड बहुत ही ज़बरदस्त है गाड़ी में। और यहाँ पे की स्टैंडर्ड फीचर्स गाड़ी में है। यहाँ पे आपको कैबिन वॉच का सिस्टम मिल जाता है, जो कि आप सेकेंड रो पैसेंजर और थर्ड रो पैसेंजर को, अगर बच्चे वगैरह बैठे हैं पीछे, तो सब मॉनिटर कर सकते हैं आप ट्रैफिक सिचुएशन में वगैरह में। तो काफ़ी एक हैंडी फीचर है। और आप में इसमें अभी एक ज़बरदस्त फंक्शनैलिटी है, जो कि है कैबिन टॉक की। तो अब इसमें क्या होता है, आप सेकेंड रो थर्ड रो पैसेंजर को आप थ्रू स्पीकर से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी काफ़ी बड़ी है, तो इसमें आपको पीछे तक वॉइस जाने के लिए काफ़ी मुसीबत होती है। और यहाँ पर मिलता है आपको एक सनरूफ भी मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ भी मिल जाता है गाड़ी में। और यहाँ पर बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग काफ़ी बड़ी मिलती है गाड़ी में। तो आप देख सकते हैं स्टेयरिंग यहाँ पर, इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल और लेन की पैसे क्रूज़ कंट्रोल सेट करने के लिए फैसिलिटीज़ है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं वॉइस कमांड्स वगैरह है और टेलीफोनी और ये वॉल्यूम कंट्रोलर और ये इंफोटेनमेंट कंट्रोलर वगैरह यहाँ पे। और यहाँ पे आपको इसका स्पीडोमीटर देख सकते हैं, कंसोल बहुत ही ज़बरदस्त डिजिटल और फ्यूचरिस्टिक लगता है। और यहाँ पे फ्यूल गेज और यहाँ पे टेम्परेचर गेज है यहाँ पर। और यहाँ पर
पार्किंग असिस्ट वगैरह के बटन से ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पर आप बड़ी जगह यहाँ पे अपना बूट स्पेस ओपन कर सकते हो, और कार में स्लाइडर डोर से तो आप देख सकते हो डोर्स वगैरह आप ओपन कर सकते हो जस्ट बटन प्रेस। तो काफ़ी कन्वीनियंस दिया है गाड़ी में। और यहाँ पर विंडोज़ वगैरह के लिए कंट्रोलर है यहाँ पर, और यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट बटन्स भी हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मटेरियल काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पर डोर की तरफ जो सॉफ्ट टच मटेरियल ऑल अराउंड बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है होंडा ने। सेफ्टी की तो सेफ्टी हमेशा होंडा कार में ज़बरदस्त रहती है, और ये भी इस कार में भी बहुत ही ज़बरदस्त सेफ्टी का ध्यान रखा गया है होंडा कार में। तो इसमें आपको मिल जाते हैं डुअल एयरबैग्स, मिल जाते हैं सामने और पीछे की तरफ भी मिल जाते हैं, और यहाँ पर साइड कर्टन एयरबैग्स भी है, और यहाँ पे नी एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, क्रैश के दौरान आपको काफ़ी सेफ्टी मिलती है, और ये सीट जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें एयर कंडीशनर की तो इसमें मिल जाता है आपको, ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त काम करता है यहाँ पर यहाँ के ह्यूमिड क्लाइमेट में। तो बहुत ही अच्छा कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। बात करते हैं अब सेकेंड रो सीट्स में आए हैं होंडा ओडिसी के, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, और ये सीट्स यहाँ पर आपको अब आपके हिसाब से अब सेटिंग भी कर सकते हो, तो और रिक्लाइन भी कर सकते हो, डिक्लाइन और इंक्लाइन सब अच्छा कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एक बड़ा सा 10 इंच का स्क्रीन मिल जाता है आपको, इसमें HDMI कनेक्टिविटी और ब्लूरे कनेक्टिविटी भी मिल जाती है इसमें, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट क्लाइमेट कंट्रोल्स मिल जाते हैं गाड़ी में, और यहाँ पे आपको बहुत सारे कभी होल्स गाड़ी में, और यहाँ पर आपको USB और चार्जिंग आउटलेट्स वगैरह, HDMI कनेक्टिविटी, तो कैबिन काफ़ी ज़बरदस्त है गाड़ी में। और यहाँ पे आपको स्लाइडर डोर्स मिल जाते हैं गाड़ी में, अगेन एक अच्छा फीचर है गाड़ी में। ये बात करते हैं, अब मैं थर्ड रो सीट्स में बैठा हूँ होंडा ओडिसी के, तो जैसे आप देख सकते हैं मिड साइज SUV और फुल साइज SUV होते हैं, जैसे फोर्ड एक्सप्लोरर और हाईलैंडर, निसान पेट्रोल और लैंड क्रूजर। तो ये गाड़ी में ख़ास बात यह है कि इसमें थर्ड रो सीट्स जो है इन बड़े SUVs में थर्ड रो सीट्स ओनली फॉर्मेलिटी होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में होंडा ओडिसी ने काफ़ी ज़बरदस्त स्पेस किया, और इसमें लॉन्ग जर्नीस में वगैरह में आप आराम से जा सकते हो थर्ड रो में, बड़े पैसेंजर जो भी एडल्ट पैसेंजर्स होते हैं तो। और मोर ओवर यहाँ पर आपको चार्जिंग आउटलेट्स वगैरह दिए गए हैं आपको, और यहाँ पे ऑक्सिलरी पोर्ट भी है यहाँ पर, वो जो मेन जो स्क्रीन है मिडिल में वो स्क्रीन को कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, और यहाँ पे कभी होल्स वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त स्पेस बनाई है थर्ड रो में भी। बात करते हैं बूट स्पेस के होंडा ओडिसी में, तो आपको इसमें मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल गेट्स मिल जाते हैं गाड़ी में, तो इसमें 1000 ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो उसकी हाइट वगैरह, और इसमें मिल जाता है 1097 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसमें आप सेकेंड रो थर्ड रो जब फ्लिप करोगे अप टू आप इसमें बना सकते हो 4000 लीटर्स का कार्गो स्पेस मिल जाता है गाड़ी में, जो गाड़ी काफ़ी बड़ी है डायमेंशन के हिसाब से, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्पेस मिल जाती है आपको। चलिए बात करते हैं होंडा ओडिसी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो होंडा ओडिसी 2021 में आता है 6 सिलेंडर 3.5 लीटर का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 200 BHP ऑफ पावर एट 6000 RPM और 355 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 4500 RPM, जो कि पावर फिगर्स काफ़ी ज़बरदस्त है। गाड़ी इतनी बड़ी है कि मैं सोचा था कि थोड़ी बहुत अंडर पावर्ड वगैरह लगेगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्प साउंड है गाड़ी में, जो कि आप देख सकते हैं साउंड भगाने, आप तेज़ चलाओगे तो काफ़ी मज़ा आएगा गाड़ी में। और हाई स्पीड स्टेबिलिटी वगैरह, बॉडी रोल, सस्पेंशन जो कि एकदम सॉफ्टर साइड पे होंडा के मोस्ट ऑफ द कार्स में रहता है कि सस्पेंशन सॉफ्ट होता है, तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल राइड मिलती है गाड़ी में। और सबसे अच्छी बात इसकी एक्सेलरेशन 0 to 100 जो कि जस्ट 7 सेकेंड्स में करती है गाड़ी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है ये साइज़ की गाड़ी के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है एक होंडा ओडिसी। और सबसे अच्छी बात इसके वेंटिलेटेड सीट्स, आप इतने ह्यूमिड क्लाइमेट में हम जो शूट कर रहे हैं तो भी यहाँ पर गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है, एकदम आराम से आप गाड़ी चला रहे हो। और इसमें आपको होंडा सेंस टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप आती है गाड़ी, जो कि आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है गाड़ी में, और आपको क्या बोलते हैं लेन कीप असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल,
और फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन और फॉरवर्ड कोलिजन असिस्ट मिल जाता है, ड्राइवर अटेंशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि काफ़ी ज़बरदस्त अलार्म्स वगैरह भी मिल जाते हैं गाड़ी में, जो कि आप गाड़ी को बहुत ही सेफेस्ट गाड़ी बनाता है सेगमेंट में। इसके क्लोजेस्ट राइवल में इसके आते हैं टोयोटा प्रीविया आती है और टोयोटा सियना और किया करने वाले, जो कि ऑडी से जे के टक्कर में आती है, जो कि लेकिन ये गाड़ी काफ़ी एकदम बहुत ही प्रीमियम गाड़ी है और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आती है गाड़ी। और बात करते हैं इसके टॉप स्पीड के बारे में, तो ये अप टू 180 किलोमीटर की स्पीड तक आप आराम से क्रूज़ कर सकते हो गाड़ी को, जो कि काफ़ी अगेन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और सबसे अच्छी बात इसके सेफ्टी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इन्हांस की होंडा ने, और उसमें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस गाड़ी में, गाड़ी इतनी बड़ी है लेकिन आपको फील ही नहीं होता कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो, जो कि 5 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी है और टोयोटा लैंड क्रूज़र वगैरह से भी काफ़ी बड़ी गाड़ी है, तो लेकिन आपको एक नॉर्मल एक सेडान या हैचबैक चला रहे हो ऐसा मिलता है। और यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टमेंट अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स है, जो कि गाड़ी को बहुत ही ज़बरदस्त प्रपोजिशन बनाता है। तो बात करते हैं प्राइस की, तो होंडा ओडिसी का प्राइस स्टार्ट होता है 149,900 दिरहम से, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है इसका, जो होंडा ओडिसी टूरिंग जो कि आपको मिल जाएगी 189,900। प्राइस एक्सपेंसिव है लेकिन कॉम्पिटिटिव है सेगमेंट के हिसाब से, जो पावर और इसकी इंटीरियर लग्जरी वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त है, तो पैसा वसूल है गाड़ी। और ये होंडा ओडिसी काफ़ी फिफ्थ जनरेशन है, तो आप जान ही सकते हैं गाड़ी हमेशा एक सक्सेसफुल गाड़ी रही है होंडा के लिए। तो होंडा ओडिसी 2021 बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज लगा, एक फिनोमिनल पैकेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर और इंटीरियर लग्जरी स्पेस, और एक कंप्लीट फैमिली पैकेज है। और जो लोग एक मिड साइज एसयूवी लेना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अल्टरनेटिव है, और प्राइसिंग भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, तो गाड़ी को बहुत ही ज़बरदस्त प्रपोजिशन बनाता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप आज ही विजिट कर दें, करिए अल्फुतेम होंडा शोरूम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शुक्रिया बहुत बहुत, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।